नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट रिधि बहल। आज हम ज्योतिष में बात करेंगे राजयोग। आप में से बहुत से लोगों ने टर्म सुना भी होगा, और जब कभी आप पंडित के पास गए होंगे अपनी कुंडली दिखाने के लिए तो आपसे कहा भी गया होगा कि जी आपकी कुंडली में बहुत अच्छे राजयोग बनते हैं। तो क्या होता है राजयोग, कैसे ये फंक्शन करते हैं, कैसे आपकी कुंडली में यदि राजयोग है तो इसका क्या फायदा होता है? देखिए, ज्योतिष जो है वो उसमें 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं और 27 नक्षत्र हैं। कहने को तो ये सिर्फ 3 चीजें हैं, पर इनके इतने सारे कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन बनते हैं कि मेरे ख्याल से एक जीवन काल भी जो है वो कम पड़ेगा इन सबको सही से सीख के समझ के अप्लाई करने। तो योग जो है वो काफी तरह के बनते हैं, कुछ अच्छे योग भी बनते हैं, कुछ खराब योग भी बनते हैं, पर आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे राजयोग की। फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और टेंथ हाउस, ये जो 4 घर होते हैं ये केंद्र कहे जाते हैं। ये जो है किसी भी हॉरोस्कोप के पिलर होते हैं, स्तंभ होते हैं। इनकी स्ट्रेंथ जो है वो बताती है कि हॉरोस्कोप कितनी अच्छी है। फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस त्रिकोण घर कहे जाते हैं। तो जब जब केंद्र का त्रिकोण से संबंध होता है तब राजयोग बनते हैं। अब जितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन या जितना गहरा संबंध केंद्र के ग्रहों का या उनके लॉर्ड्स का त्रिकोण के ग्रहों से या त्रिकोण के लॉर्ड से बनेगा, उतने ही स्ट्रॉन्ग जो है आपके राजयोग होंगे। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मैं 2-3 हॉरोस्कोप अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी, उसमें आपको समझाऊंगी तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा। तो जो सबसे पहली हॉरोस्कोप हम डिस्कस कर रहे हैं ये है सचिन तेंदुलकर की। हम सब सचिन तेंदुलकर को जानते हैं, वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। कितनी कम उम्र में उन्होंने कितने सारे अचीवमेंट्स उनके नाम पे हैं। तो देखिए, लग्ना लॉर्ड जो कि मरकरी है, जो कि 10th लॉर्ड भी है, वो जो है 7th हाउस में बैठा हुआ है। फोर्थ लॉर्ड और 7th लॉर्ड जो कि जुपिटर है वो 5th हाउस में बैठा हुआ है। तो देखिए, चारों केंद्र जो है वो त्रिकोण से और केंद्र से आपस में कनेक्टेड हो रहे हैं। प्लस जो 5th लॉर्ड है सैटर्न, वो जो है 9th हाउस में यानी कि लक के हाउस में जाके बैठ गया है। तो कितना सुंदर कॉम्बिनेशन बन रहा है केंद्र का और त्रिकोण का। तो दिस इज मेकिंग अ वेरी गुड राजयोग, और ये जो है बहुत पुश दे रहा है हॉरोस्कोप को, हॉरोस्कोप को जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है। जो सेकंड हॉरोस्कोप मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है क्वीन एलिजाबेथ की। क्वीन एलिजाबेथ को भी हम सभी जानते हैं, शी इज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। उनका रिकॉर्ड भी है, इतने लंबे समय से जो है वो रूल कर रही हैं। शी वॉज बॉर्न इन अ रॉयल फैमिली, तो उनके तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग राजयोग है। तो अब देखिए, इनके केस में जो लग्ना लॉर्ड है और जो फोर्थ लॉर्ड है जुपिटर, वो लग्न में ही बैठा हुआ है। फिफ्थ लॉर्ड मार्स जो है वो 7th हाउस में बैठा हुआ है, और 9th लॉर्ड सन जो है वो 10th हाउस में, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र माना जाता है, उसमें बैठा है। सो देखिए किस तरह से जो है यहाँ पे भी केंद्र और त्रिकोण के घरों का कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और कॉम्बिनेशन बन रहा है। जो थर्ड हॉरोस्कोप है वो है बिल गेट्स की, हु हैपन्स टू बी द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। एंड ऑफ कोर्स इनके भी अच्छे राजयोग बन ही रहे होंगे, जो इन्होंने इतनी ग्रेट हाइट्स अचीव की, एंड फ्रॉम नोवेयर इन्होंने जो भी कुछ अचीव किया अपने खुद के बलबूते पे ही अचीव किया। तो देखिए, लग्ना लॉर्ड एंड फोर्थ लॉर्ड मर्करी जो है वो 4th हाउस में ही बैठा है, दोनों केंद्रों का कनेक्शन हो गया आपस में। फिफ्थ लॉर्ड एंड 9th लॉर्ड जो कि सैटर्न और वीनस है, वो दोनों के दोनों 5th हाउस में कंजंक्ट हैं। तो यहाँ पर भी देखिए केंद्र का और त्रिकोण का कितना अच्छा और सुंदर कॉम्बिनेशन बन रहा है। सो देखा फ्रेंड्स, किस तरह से केंद्र और त्रिकोण जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो वो हॉरोस्कोप को स्ट्रेंथ देते हैं और एक इंडिविजुअल को हेल्प करते हैं लाइफ में हाइट्स अचीव करने में, सक्सेस अचीव करने में।
आज फ्रेंड्स मैंने आपको बहुत बेसिक बताया है कि राजयोग कैसे देखे जाते हैं, राजयोग क्या होते हैं। अब इसमें भी डिफरेंट वराइटीज ऑफ राजयोग होते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस फिर से होते हैं जिनको देखना हमें पड़ता है एनालाइज करने के लिए कि राजयोग कब फ्रक्टिफाई होंगे और कितनी स्ट्रेंथ है उन राजयोगों में, मतलब वो किस एक्सटेंट तक हमें रिजल्ट देंगे। तो अपने आगे आने वाले वीडियोस में मैं ये सब भी आपके साथ शेयर करूंगी कि कितने तरह के राजयोग होते हैं और कौन सा राजयोग जो है क्या रिजल्ट देता है। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु यू कैन रीच आउट टू मी। और आप कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं, वो आप मुझे जरूर बताइएगा। आई वुड लव टू शेयर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग देम विद ऑल ऑफ यू। नमस्कार।